TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। पंजाब के गवर्नर बनारी लाल पुरोहित की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया है और आपको उनके जो इस्तीफा दिया गया उस लेटर में उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि निजी कारणों के चलते उनकी तरफ से इस्तीफा दिया गया है। हालांकि अगर बनारी लाल पुरोहित जो पंजाब के गवर्नर रहे हैं, अगर उनका बैकग्राउंड देखा जाए तो जिस तरीके से वो लंबे समय से यहाँ पे गवर्नर थे पंजाब में, लगातार वो काम कर रहे थे, लेकिन एकदम से उनका जो इस्तीफा आ जाना, इसको लेकर कई तरीके की अटकलें लगाई जा रही हैं, अलग अलग तरह की चीजें सामने निकल के आ रही। कहा जा रहा है कि कई निजी कारण के साथ साथ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो इन्होंने इस्तीफा दिया है उसके पीछे कुछ जो कि उनके पर्सनल रीजंस नहीं बल्कि कुछ और भी कारण है, और उनसे ये भी कहा जा रहा है कि उनसे जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया है। हालांकि अभी तक स्थिति जो है क्लियर नहीं हो सकी है, लेकिन जो हमारे सामने तस्वीर आई है, जो उनका एक लेटर आया है कि गवर्नर की तरफ से जो निजी कारण उन्होंने बताया है, और आमतौर के ऊपर जब भी कोई इस तरीके के पोस्ट से जब भी कोई इस्तीफा देता है तो उसको निजी कारण ही बताया जाता है और कहा जाता है कि निजी कारणों के चलते ही इस्तीफा दिया गया। हालांकि उसके पीछे कई तरीके के कारण होते हैं, कई बार इस्तीफा लिया जाता है, कुछ इस तरीके के सिनारियोस बन जाते हैं, लेकिन अगर बनवारी लाल पुरोहित की बात की जाए तो लंबे समय से वो एक्टिव थे, भाजपा के वो पार्टी से बिलोंग करते थे, और जिस तरीके से लंबे समय से पंजाब में अलग अलग चीजों की एक्टिविटीज में भी रहते थे, वो पंजाब का दौरा भी लगातार करते रहते थे, अब अचानक एकदम से उनका इस्तीफा दे दिया जाता है, जिसको लेकर कई तरीके की अटकलें इस समय चल रही हैं। हालांकि कारण जो है वो निजी बताए जा रहे हैं। चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।